हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेके आए हैं, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लेडीज़ कार्डिगन, हाफ स्वेटर, बच्चों की स्वेटर, हाई नेक, पुलोवर, जैकेट, यहाँ तक कि टोपी पर भी इसको आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 फंदों की बुनाई है और ये बुनाई हमारी उल्टी साइड से स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। देखने में ये इस तरीके से दिखता है, ये देखिए। तो स्टार्ट हमको इसको उल्टी साइड से करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 16 फंदे डाले हुए हैं, 2 सिलाई का मैंने बॉर्डर बुना हुआ है। ये 16 फंदों में मैं तुमको ये बुनाई बना के दिखाऊंगी। तो ये मेरी उल्टी साइड है और मैं अब 2 फंदे फ्रेंड्स पहले सीधे बनाने हैं, ठीक है। 2 फंदे सीधे बनाए और धागा आगे करना है, धागा आगे करा, 1 फंदा हमने ऐसे ही निकाल दिया है, ठीक है। फिर धागा पीछे करा, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर धागा आगे करा, 1 फंदा ऐसे निकाल देना है, फिर धागा पीछे करा, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर धागा आगे करा, 1 फंदा ऐसे निकाल देना है, फिर धागा इधर पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर धागा अपनी साइड करा, 1 फंदा स्लिप कर देना है, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाने हैं, इस तरीके से। अब हमारी फ्रेंड्स सीधी साइड आ गया है। तो सीधी साइड में हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, जो हमको जैसे दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके इस फंदे को ऐसे ही सिलाई में निकाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके इसको ऐसे ही निकाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके ऐसे ही निकाल देंगे इसको उस फंदे में, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करा, इसको ऐसे ही निकाल दिया, धागा आगे करा, 2 फंदे उल्टे बना देने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी अब ये फिर उल्टी सिलाई आ गई है। तो अब हम उल्टी सिलाई में क्या करेंगे, ये डिज़ाइन हमको उल्टी सिलाई में बनाना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे उल्टी साइड है, अब हम 2 सीधे बनाएंगे पहले, पहले के हमारे 2 सीधे बनेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड, जो हमारा ये फंदा हमने ऐसे ही सिलाई में निकाला हुआ था, इसको धागा पीछे, हाँ धागा पीछे है, इसको हम धागा आगे करेंगे और उल्टा बुनेंगे इस साइड से। ये हमारी उल्टी साइड है तो यहाँ से हम इसको उल्टा बुनेंगे, कितनी बार, 5 बार, 1 फंदे के 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 फंदे के 5 बन गए हैं। फिर हमने क्या करना है फ्रेंड्स, धागा आगे करना है और 2 सीधे बनाने हैं, 1 2, और धागा पीछे करके अपनी साइड करके इस फंदे को जो ये निकला हुआ है इसको 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 फंदे के 5 फंदे बना देने हैं। फिर धागा आगे करना है, 2 सीधे बनाने हैं, फिर धागा अपनी साइड करके इसके ये जो फंदा हमने निकाला है उसको 5 कर देने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से, फिर 2 सीधे बनाने हैं। तो ये वाली रो हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर लास्ट के हम 2 सीधे बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा फिर सीधी सिलाई आ गई है।
तो फ्रेंड्स ये हमारी सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई में हम क्या करेंगे, ये दो फंदे उल्टे ही बनाएंगे। दो फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करा। अब ये जो हमारे पांच फंदे, हमने एक फंदे के पांच फंदे बनाए थे फ्रेंड्स, इसको पांचों को हम इस सिलाई में इस तरीके से ले लेंगे। अगर नहीं आए तो ऐसे डाल के देखिए, तीन और ये दो, पांच। ये पांच फंदे हमने इस सिलाई में ले लेने हैं और पांचों को एक संग बुन देना है। अगर नहीं बुना जाता तो फ्रेंड ऐसे दो दो करके इनको निकाल दीजिए, एक दो तीन चार पाँच, ये इस तरीके से हमने निकाल दिए ये, ठीक है। फिर धागा आगे करना है इस तरीके से, दो उल्टे बनाने हैं, एक दो उल्टे बनाए। फिर धागा पीछे करना है फ्रेंड्स, ये जो हमने पांच फंदे, एक फंदे के पांच फंदे बनाए हैं, इनको सिलाई में लेना है पांचों को, है कोई फंदा छूटे ना। इस तरीके से धागा डाल के इन तीन फंदे ये निकाले हमने, दो फंदे ये निकाल दिए फ्रेंड्स। अगर एक बार आपसे नहीं होता तो आप दो दो करके भी निकाल सकते हैं। फिर धागा आगे करा, एक उल्टा दो उल्टा बना दिया। फिर धागा पीछे करा, वही पांच फंदे जो हमने बनाए थे इनको एक कर दो, तीन चार, ये तीन फंदे हैं, ये चौथा फंदा है और ये पांचवा फंदा है। पांच फंदे ले लिए हमने, धागा ऐसे करना है, इन पांचों को एक संग निकाल देना है। एक संग निकला तो ठीक है, एक संग निकला तो दो दो करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये दो उल्टे लेने हैं, फिर ये लास्ट का पांच फंदे, एक दो तीन और दो पांच, इन पांच फंदों को ऐसे करके इसमें एक बार बुन देना है, ठीक है। फिर धागा आगे करके दो उल्टे बनाने हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। फिर उल्टी सिलाई में क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हमारी उल्टी सिलाई आ गई। इसमें हम फिर क्या करेंगे, दो फंदे तो हम सीधे बनाएंगे, दो फंदे हमने सीधे बना दिए। जो फंदा हमने एक का पांच करा था, उस फंदे को हम क्या करेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और इसको ऐसे ही इसमें शिफ्ट कर देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करके इसको ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे। फिर धागा आगे करके दो सीधे बनाएंगे, फिर अपनी साइड करके इसको शिफ्ट कर देंगे, फिर दो सीधे बनाएंगे। जो हमने एक फंदे का पांच पांच बनाए थे उसको इसमें शिफ्ट कर देना है, ठीक है। फिर दो सीधे बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम सीधी सिलाई में क्या करेंगे, इसमें भी हम जैसे हमने उस इधर करा था वैसे करेंगे। जैसे दो उल्टे बनाए हमने, धागा पीछे करा, इसको फिर शिफ्ट कर देना है। फिर धागा आगे अपनी साइड करके दो उल्टे बनाने हैं, फिर धागा पीछे करना है, इसको ऐसे शिफ्ट कर देना है। धागा आगे करके दो उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करके शिफ्ट कर देना है, फिर धागा अपनी साइड करके दो उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करना है और इसको ऐसे ही शिफ्ट कर देना है, धागा अपनी साइड करके दोनों को उल्टा बना देना है। ये हमारी सीधी रो हो गई है, ठीक है। अब उल्टी रो में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे करा था वैसे ही हम इस सिलाई इसमें करेंगे। अब हमारी ये उल्टी रो आ गई है, ठीक है। उल्टी रो में हमने क्या करना है, वही दो सीधे बनाने हैं, ठीक है। अब हम धागा आगे करके ये वाला फंदा था जो हमने शिफ्ट करा था, बुना नहीं था, इसको उल्टा एक फंदे के पांच फंदे बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच। फिर धागा छोड़ दिया, फिर धागा आगे करके दो सीधा, ये हमने उल्टी सिलाई में करना है।
फिर धागा अपनी साइड करके, ये अपने आप फ्रेंड्स अपने आप दिख रहा है, ये देखिए इसको पांच बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे करके दो सीधे बनाने हैं, फिर धागा अपनी साइड करके इसके पांच बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करा, एक दो सीधे बनाने, फिर धागा इधर करा, एक के पांच बनाने, एक दो तीन चार पांच, ये रो हमको ऐसे ही पूरी बुन देनी है, एक के पांच और दो सीधे, ठीक है। ये हमारी उल्टी साइड था, अब हमारी ये सीधी साइड आ रही है। ये दिखती बुनाई सीधी साइड है, पर पड़ती हमारी ये बुनाई उल्टी साइड से। तो अब ये हमारी सीधी साइड है, इसमें हम एक फंदा उल्टा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके वही पांचों का एक करना है। पांचों को अपने इस सिलाई में डाला, एक ही बार में बुन देना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पांचों को एक बार बुन देना है, फिर धागा अपनी साइड करा, दो उल्टे, फिर धागा पीछे करा, पांचों को एक साथ लेके, फ्रेंड्स कोई फंदा छूटे ना, पांचों को लेना है और पांचों को एक ही बार में बुन देना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर धागा अपनी साइड करना है, दो उल्टे बनाने हैं, एक दो, फिर धागा पीछे करके पांच लेने हैं ये, और पांचों का एक कर देना है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लें। फिर धागा आगे करके दो उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे पांचों का एक करके सीधा बनाना है, पांचों को एक करना है और उसको सीधा बुन देना है इस तरीके से, ठीक है। फिर धागा आगे करके दो उल्टे बनाने हैं इस तरीके से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है और देखने में बहुत सुंदर दिखती है। आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में डालेंगे तो जितने भी फंदे होंगे वही आपको दो उल्टे एक सीधा और ऐसे ही करके बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखने में ये कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है। थैंक यू।